नमस्ते नमस्ते गणेश जी। नमस्ते, सबका स्वागत है। सभी को नमस्ते। आज के हिंदी सत्र में हम लोग अभी तक जो चर्चा हुई है उसके संदर्भ में जो प्रश्न है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। अभी जो हम लोग एक्सरसाइज वन और एक्सरसाइज टू पर काम शुरू किए हैं और जिस पर आपने पहले भी काम किया है क्या है उसको देखेंगे तो अभी धीरे धीरे ये पता लग रहा है कि जो बाहर हम करते हैं रिस्पॉन्स या रिएक्शन उसके बेस में कोई ना कोई कल्पनाशीलता इमेजिनेशन चल रही है ना, कोई ना कोई डिजायर थॉट चल रहा है, भाव विचार चल रहा है। एक तो ये बात समझ में आती है। फिर जब ये भाव जो हमारा चल रहा है और उसके आधार पर विचार चल रहा है उसके थोड़ा और पीछे जाते हैं तो ये पता लगता है कि हमने अपने बारे और दूसरे के बारे कुछ मान रखा है। उस मानने के आधार पर हमारा भाव बनता है बिगड़ता है, ठीक है ना। तो उसी को हम संस्कार कह रहे हैं। जो पीछे हमने कुछ मान रखा है वो हमारा संस्कार है। ये संस्कार सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि उसके और पीछे जा रहे हैं। ये जो प्योर ऑब्जर्वर है हमारे में, साक्षी है ना, दूसरा है, वहां से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो संस्कार है वो ठीक है कि नहीं, भाव विचार चल रहा है वो ठीक है कि नहीं, जो हम परता में व्यवहार कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। इसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाव को अगर हम देख सकें तो भाव के बारे सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ कर कि ये भाव हमको सहज स्वीकार है कि नहीं, तय कर सकते हैं कि हमारे में जो भाव इस समय है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये जो हमारे में शुद्ध दृष्टा है, साक्षी है, प्योर ऑब्जर्वर है, जिसमें देखने की भी क्षमता है और ये तय करने की भी क्षमता है कि क्या सही है क्या सही नहीं है, उसको हम इन्वोक कर रहे हैं। ऐसा हम करते हैं तो इससे धीरे धीरे हमारा भाव विचार ठीक होता है और पीछे जाएंगे तो हमारा संस्कार ठीक होता है। ये ठीक होता है तो व्यवहार कार्य तो ठीक होता ही है। अभी हम इस काम को शुरू किए। इसके पहले तक ये हो रहा था कि हम प्योर ऑब्जर्वर को इन्वोक नहीं कर रहे थे, तो हम एक मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे उधर हम लोग। तो सही गलत का कोई हमारे पास मापदंड नहीं है। जिन चीजों को हमने सही मान रखा है, जो हमारा संस्कार बन गया है, संस्कार के आधार पर है ना, हम अपना भी मूल्यांकन करते हैं और परस्परता में दूसरे का भी मूल्यांकन करते हैं और उसी के आधार पर अपना भाव विचार को बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं। तो इसको अगर ठीक से अभी समझ लें, जिनके साथ भी मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, चाहे वो हमारे छत के नीचे रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, उसके बारे हमने अपने में कुछ मान रखा है और अपने बारे में कुछ मान रखा है, दोनों के योगफल में हम अपना भाव तय करते हैं। जैसे मैंने अपने बारे में यह मान रखा है कि भाई मैं तो सही आदमी हूँ और मैं सही के लिए हमेशा प्रयास करता रहता हूँ, दूसरे के बारे में यह मान रखा है कि के लिए इतना प्रयास करता हूँ फिर भी आदमी रिस्पॉन्ड नहीं करता, रिएक्ट करता रहता है, तो बेसिकली आदमी गलत है, ठीक है ना। अब ये मान्यता हमारी बनी हुई है, ये संस्कार बन गया हमारे में। अब जब भी मैं उस आदमी को देखता हूँ तो यहीं से शुरू करता हूँ कि मैं तो ठीक आदमी हूँ, ये गलत आदमी है, और ये आदमी अभी हमको कुछ ना कुछ परेशान करेगा, तो उसने अभी कुछ व्यवहार नहीं किया है तब भी हमारा भाव बिगड़ा हुआ है, हमारा विचार बिगड़ा हुआ है, अंदर कुछ तो उल्टा पुल्टा चल रहा है। और उस बीच में वो थोड़ा सा भी कुछ गलत कर देता है या हम जो सही कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हमारा भाव विचार पहले से बिगड़ा है, तो रिएक्शन शुरू हो जाता है, फिर मल्टीप्लाई होता रहता है अंदर। इसमें करना हमको यह है कि हमारे अंदर जो भाव विचार बन रहा है वो हमारे संस्कार पे निर्भर करता है। अगर भाव बिगड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा संस्कार में ही प्रॉब्लम है। दूसरा व्यक्ति सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट हमारा संस्कार सही नहीं है ये तो पक्का। क्योंकि सही संस्कार होता तो सही भाव होता, संस्कार गलत हो गया, गलत भाव आ गया। जैसे अगर सही संस्कार देखेंगे तो ये होगा कि ये आदमी गलती कर रहा है लेकिन ये सही करना चाहता है, ये उसका टर्न है। मैं कई बार गलती करता हूँ लेकिन सही करना चाहता हूँ हमेशा, वैसे ये व्यक्ति भी गलती कर रहा है लेकिन सही करना चाहता है। तो मैं किस सेल्फ से इंटरेक्ट करूँ, ये जो सही करना चाहता है वो भाग या जो गलत कर रहा है वो भाग? हम तो अपनी तरफ से ये शुरू करेंगे कि हमारा जो सही भाग है सेल्फ का, जो सही करना चाहता है, वहां से शुरू करेंगे और इस स्वीकृति से शुरू करेंगे कि ये आदमी भी चाहता तो है सही करना, लेकिन समझ के अभाव में कर नहीं पा रहा। लेकिन फॉर ग्रांटेड तो कोई होता नहीं है, आदमी जो मजबूर होता है वो भी मजबूर होने का एक उनका डिसीजन है, वो डिसीजन भी आप ही ले रहे हैं।
आपको लगता है कि वही ज्यादा कन्वीनियंट है तो उसको करते हैं, बट ये तो हम लोग नहीं कह रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक जी सकते हैं। ये जो भाव विचार हम बना रहे हैं उसके आधार पर व्यवहार कार्य कर रहे हैं, वो मेरे संस्कार के आधार पर मैं कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ पूरा, और मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। ये निर्णय तो हमको करना ही पड़ेगा। मैं अपने संस्कार को देखूंगा, अपने संस्कार का मूल्यांकन करूंगा, और मूल्यांकन करने का मापदंड अपने पास है, अपने से पूछ लेंगे तो पता लग जाता है। ये पता लग गया तो ये हमको दिखता है कि भाई हम चाहते सही है कर गलत रहे, दूसरा चाहता सही है कर गलत रहा है। ये जो सही चाहता है और गलत कर रहा है तो ये कॉम्पिटेंस की प्रॉब्लम है, इंटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है। इससे दो फायदे होंगे अगर ये हमको दिख जाए तो, है ना। एक तो हमारा संस्कार ठीक हुआ, क्योंकि उसको पूरी तरह से गलत मान रहे थे, तो हमारा संस्कार इस बात का बना कि ये आदमी सही करना चाहता है लेकिन गलत कर रहा है। तो अब हम इस बात से शुरू करेंगे कि सही करना चाहता है तो हमारा उसका प्रतिभाव सही होगा। उस भाव के साथ जब वो गलती कर रहा है तो जो भी इनपुट आ रहा है उससे हम इस बात का मूल्यांकन करेंगे कि उसकी क्या हालत है अभी, और इस बात पर विचार करेंगे कि उस हालत को कैसे सुधारा जा सकता है। ये हमारा रिस्पॉन्स होगा, रिएक्शन नहीं होगा। इसको जब हम करते हैं तो दूसरा व्यक्ति तो अपने पर अगर काम कर रहा है तब तो बहुत ही अच्छा है, वो अपने पर काम नहीं कर रहा है तो ये भी हो सकता है कि उसका रिएक्शन और बढ़ जाए, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होगा। देखिए बेहोशी में भी आदमी इतना तो आकलन कर पाता है कि आप जो सही कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। अभी दो बीच लोगों के बीच में झगड़ा हो, है ना, और झगड़े के बाद आप उनसे पूछिए क्या हुआ, तो दोनों ही दूसरे की गलती बता पाते हैं। तो अभी हमको पता चलता है कि दूसरे ने क्या गलती की, दूसरे को पता चलता है कि हमने क्या गलती की, बेहोशी में भी, ठीक है ना। तो अगर हम अपनी तरफ से गलती नहीं करते हैं, सही करते हैं, तो वो बोले भले नहीं उसका मूल्यांकन तो वो करता ही है, वो धीरे धीरे जो रिएक्शन था उसका वो कम होता है, उससे कम सिचुएशन बिगड़ती नहीं है। अभी जिस तरह से बिगड़ जाती है बार बार वो नहीं बिगड़ती। और उससे पहले महत्वपूर्ण बात है कि मैं दुखी नहीं होता हूँ, क्योंकि हम अपने संस्कार पे सीधा सीधा काम करने लगे हैं तो हमारा संस्कार ठीक होता जाएगा तो उसका आराम आगे हमेशा मिलेगा हमको। संस्कार के बारे में कहा कि चार प्रकार के संस्कार अभी हमारे पास रहते हैं। एक को कहा प्रसुप्त, प्रसुप्त का मतलब जो डॉर्मेंट है अभी। दूसरे को कहा है तनु, जो वीक है। तीसरे को कहा है डाइवर्टेड, विच्छिन्न। और चौथे को कहा है एक्टिव, उदार। तो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये चार प्रकार के संस्कार हैं अभी हमारे अंदर। तो अगर वो एक्टिव नहीं भी होते हैं लेकिन अंदर बैठे हुए हैं तो ये दुख देते रहते हैं। इन चारों प्रकार के संस्कार पर धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। एक संस्कार भी ठीक हो गया तो आगे हमेशा उसके कारण जो दुख हो सकता था उससे हम निकले, वो बना रहता तो अंदर अंदर हमको दुख होता ही रहता, तो बीज रहता बना हुआ तो कभी भी जर्मिनेट हो जाता। एक्सरसाइज वन और टू जो कर रहे हैं, एक्सरसाइज वन अपने संस्कार से निकलने के लिए, और एक्सरसाइज टू में जो परस्परता में हमारा जीना है शरीर के साथ और बाहर की दुनिया के साथ, उसको ठीक करने के लिए, ठीक है ना। कोई भी छोटा से छोटा भी एक मान्यता हम ले लेते हैं ना और उससे परेशान होते रहते, तो काम तो करना पड़ेगा। अभी हम जिस देश में रहते हैं वहां पर ये मान्यता, ये स्वीकृति है इस संस्कृति में कि बाप का, माता जी का देख रेख बच्चे को करना बनता ही है, ठीक है। तो सही है कि नहीं अभी इसको बाद में लौट के देखेंगे, बट ये एक संस्कार है। अभी आप अमेरिका में देखेंगे, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री में देखेंगे, तो ये संस्कार उनका नहीं है कि वो बच्चा कुछ करेगा हमारे लिए। बहुत जगह तो ऐसा है कि 18 साल का हो जाता है तो ताला बदल देते हैं घर का, तो कहते हैं कि तुम अपना मैनेज करो, ठीक है ना। तो माँ बाप भी 18 साल के बाद करेंगे बच्चे का, ऐसा मान्यता नहीं है। बच्चे को आप निकाल दिए तो बच्चा तो आपके लिए नहीं करेगा, तो ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये मान्यता है, ये तो ठीक बात है, ये संस्कार है ना। तो एक संस्कृति में ये संस्कार दिखाई पड़ता है, दूसरी संस्कृति में नहीं दिखता है, है ना। और आज तो भारत में भी अब ऐसा ही होने लग गया है। कोई सज्जन हमारे पास आए थे कि हम एक वृद्धा आश्रम शुरू करना चाहते हैं, अगर आप लोग इसका जिम्मेदारी लेंगे तो हम लोग सब बना कर देंगे। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि अगर हम लोग को इस काम को करना होगा तो हम एक अच्छा स्कूल खोलेंगे, बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, अपने माँ बाप को अपने घर में रखेंगे। हम अगर मूल्यांकन करेंगे, कोई भी परंपरा अगर चलेगी तो माँ पिता जो है बच्चे का पोषण संरक्षण करेंगे,
बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, माँ पिता बूढ़े हो जाएंगे, तो बच्चे माँ पिताजी का संरक्षण करेंगे। कोई भी परंपरा चलेगी तो इसी ढंग से, नहीं तो चल नहीं पाएगी। तो ये संस्कार सही है ना, और चीजें तो इसके हिसाब से होनी चाहिए। तो एक बात तो ये स्पष्ट, दूसरा ये है कि ये संस्कार हमारे में है, दूसरे में है कि नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस वो इसको रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा। तो आपके बच्चे में ये संस्कार है कि नहीं, इससे तय होगा कि वो आपका देखभाल करेगा कि नहीं। ये बात भी हमको क्लियर होनी चाहिए। ये बात जब क्लियर होगी तब हम दो काम करेंगे, एक तो उसके नहीं करने पर दुखी नहीं होंगे, दूसरा हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि उसमें ये संस्कार पैदा करें। हमने संस्कार दिया बच्चे को, बच्चा जो संस्कार पिकअप कर रहा है वो सिर्फ हमसे कर रहा है ऐसा नहीं है, परिवार है उससे कर रहा है, जो वातावरण है उससे कर रहा है, और अभी जो ई मीडिया आ गया है उसमें बहुत सारा मिल रहा है। जो कॉलेज जाता है तो कॉलेज के जो और दूसरे उनके स्टूडेंट्स हैं साथ के, उनसे करता है, टीचर से सीखता है, बहुत सारा सीख रहा है। हम लोगों ने IIIT हैदराबाद में एक सर्वे किया ना, जब वहाँ पर इंटेंसिव शुरू में हम लोगों ने उस पर काम कर रहे थे, तो फर्स्ट ईयर के बच्चों से पूछा है ना कि आपका क्या लक्ष्य है, यहाँ से पढ़कर आप क्या लक्ष्य बनाए हैं, क्या करना चाहते हैं। करीब 50%, 180 बच्चे थे, उसमें से 50% से ज्यादा बच्चों ने यह कहा कि हम अपने माता पिता को सुखी करना चाहते हैं। यही प्रश्न हम लोगों ने फोर्थ ईयर के बच्चों से पूछा, मुश्किल से 10 बच्चों ने ये बात कही, का मतलब 2-2.5% हो गया, 50% से घट के 2-2.5% हो गया। क्योंकि ये जो 4 साल में उनको ट्रेनिंग मिली है, उस 4 साल में उनके लिए कैरियर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, माँ बाप जो है वो कम महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो आपने कैसा भी संस्कार दे के भेजा हो, 4 साल जो प्रोफेशनल कॉलेज में होता है, जैसे उनके पीयर्स कहते हैं, सीनियर कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, है ना, बाहर से भी एक्सपर्ट्स आते हैं कहते हैं, वो सब ये बताते हैं कि भाई अल्टीमेट रियलिटी तो कैरियर है, ये सब तो ठीक है, मतलब सब सेकेंडरी है। अब आपका दिया हुआ संस्कार जो है उस पर फिर काम नहीं करता है, क्योंकि ये नए सेट ऑफ संस्कार बन गए और ये ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं, क्योंकि पूरा समाज वातावरण वैसा ही है। तो वो आपको इस बात से इवेल्युएट नहीं करते कि आप अपने माँ पिता की सेवा करते हैं कि नहीं, वो इस बात से करेक्ट इवेल्युएट करेक्ट करते हैं कि आपका पैकेज क्या है। अब तो देखिए लड़कियां भी पढ़ लिख गई हैं, तो लड़कियां तो अब ये शर्त रखती हैं कि भाई माँ पिताजी साथ तो नहीं रहेंगे शादी के बाद, ये भी एक संस्कार बन गया है। बहुत सारे ऐसे ऐसे संस्कार है, उसका बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करते, लेकिन आजकल जिस तरह के संस्कार बनाए जा रहे हैं, अभी मैं पूना में था तो एक परिवार जो हम लोग के बहुत परिचित हैं, और उनमें ये काफी टेंशन चल रहा था, काफी परेशान थे, तो हमने पूछा कि क्या हो गया, क्यों इतना टेंशन है। तो उन्होंने कहा कि हमारी बहू जो है कह रही है कि अभी मेरे कैरियर का पीक टाइम है, अभी 6 महीना मैं मेहनत कर लूंगी तो हमको एक बड़ा प्रमोशन मिल जाएगा, तो इस समय मैं जो है बच्चा नहीं करना चाहती हूँ, डिलीवरी नहीं करना चाहती हूँ। तो इस पर बात चल रही है कि वो कह रही है कि हमको एबॉर्शन करना है, और सारे घर के लोग जो है पुराने संस्कृति वाले लोग हैं, वो कह रहे कि अरे नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं, बच्चे की हत्या हो जाएगी। तो वो कह रहे कि आप लोग ऐसी दकियानुसी बातें करते हैं। तो ये सब सब चल रहा है, ऐसे संस्कार बन रहे हैं अभी। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप उससे परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि यही सब संस्कार हम आज के समाज में दे रहे हैं, और ये बहुत सब मतलब कहना चाहिए सभ्य परिवार है। अभी जो संस्कार की बात हो रही थी ना, अब आदमी को आप स्टडी करने जाएंगे, अपने को स्टडी करने जाएंगे, तो धीरे धीरे ये दिखेगा कि ये आदमी का बीज देखेंगे तो संस्कार के रूप में है ना, जैसे आम का बीज अलग होता है और नीम का बीज अलग होता है, जैसा बीज होता है वैसे ही पेड़ निकलता है ना, फल फूल सब वैसे निकलता है। तो आदमी को अगर देखेंगे तो उसका ठीक से पहचाने जाएंगे तो वो संस्कार बीज के रूप में दिखाई पड़ता है, कि छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाना, नाराज होते हैं तो क्या क्या शब्द प्रयोग करना है ना। तो हमको लगता है कि वो बड़े गलत शब्द हैं, बट उनके यहाँ सामान्य शब्द रहे होंगे, और ये सामान्य ढंग ही होगा रिस्पॉन्ड करने का, रिएक्ट करने का, है ना। तो खुश हो जाएंगे तो बहुत जो है आपके लिए अच्छा बोलेंगे, खाना खिलाने की कोशिश करेंगे, है ना, और जब नाराज हो जाएंगे बोलना है सब बोलेंगे, लाएंगे सामान फेंकने लगेंगे जी। तो ये सब संस्कार के कारण ही है। दो चीजें समझ में आनी चाहिए, एक तो मेरा भी संस्कार है और उसके तहत मैं व्यवहार करता हूँ,
दूसरा दूसरे का संस्कार है उसके तहत दूसरा व्यवहार कर रहा है, दोनों को ही उसका परिमार्जन करना है, उसका परिमार्जन करने का शुरुआत कर सकते हैं। वो हम लोगों ने कर दिया अपने लिए तरफ से, जब हम करते हैं कि अगले को समझ में तो आता है कि ये पहले से सुधर रहा है, तो अगला उस पर रिस्पॉन्ड करता है। देखिए ये सब को हमको धीरे धीरे स्टडी करना पड़ेगा, खुद के लिए भी दूसरे के, पूरे समाज के लिए भी, क्योंकि समाज में काम करना है तो पूरे समाज के संस्कार को समझना पड़ेगा। देखिए मेरे को जो अभी लगता है आज के बच्चों का, मतलब जो वातावरण है समाज में और फिर कॉलेज में और उनके मित्रों में ना, और जैसा हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, ये दोनों को स्टडी करेंगे तो ये पता लगता है कि एक तो जिस तरह का वातावरण और शिक्षा है उसमें उनको कोई समाधान तो मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। उनको सिर्फ इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि उनको बहुत तेजी से भागना है और दूसरे से आगे निकल जाना है, और इस लाइफ स्टाइल में बहुत परेशानी तो है, तो वो काफी परेशान है बच्चे। एक तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा क्या है कि हम अपने संस्कार से उसको देखते हैं तो उनको लगता है कि ठीक नहीं चल रहा है, तो जब भी हम बैठते हैं उनके साथ तो उनको कुछ ना कुछ ठीक करने की बात करते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो वो अपने पहले से परेशान है और परेशान हो जाते हैं, इसलिए हमको अवॉइड करते हैं। ऐसा प्रोसेस चल रहा है, तो हमको एक चीज तो ये समझ में आनी चाहिए कि वो परेशान है। अगर ये समझ में आएगा तो हम उसकी परेशानी को सुनने की कोशिश करेंगे, और वो जो प्रश्न पूछता है उसका हम जिम्मेदारी से जवाब देंगे, क्योंकि प्रश्न उसके पास बहुत हैं, उत्तर तो कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब आज के पूरे शिक्षा कार की जो प्रक्रिया है उसको अगर देखेंगे तो उसमें प्रश्न खड़े होते हैं, उत्तर नहीं मिलता है। आपको भागना है इस पर बहुत सारी जोर है, पहुंचना कहाँ है इस पर कोई बात नहीं होती। तो एक आदमी जो भागता ही जा रहा है और अब भागने के लिए उसको कहा जा रहा है और कहाँ पहुंचना है उसको पता नहीं है, तो काफी परेशान है वो, है ना। और किसी से प्रश्न पूछता भी है तो कोई उसका जवाब नहीं देता है, क्योंकि और लोगों के पास भी जवाब नहीं है। तो पहले तो हमारे पास जवाब हो और फिर हम उसकी समस्या को सुन सकें, समझ सकें और उसका कुछ जिम्मेदारी पूर्वक जवाब दे सकें जो उसको समझ में आ जाए, तो इतना अगर होगा तो कुछ संभावना उसमें से निकल के आएगी। फिर वो आपसे आकर बैठ के पूछेगा, खुद ही पूछेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये करना बनता है। हमको ये बात भी जांच परख करना चाहिए कि हमारे भी संस्कार कहीं उस तरह के तो नहीं बन गए हैं कि हम उनको इसी तरह की चीजों में प्रमोट करते रहे हैं अभी तक। मैं एक उदाहरण बता देता हूँ, है ना। एक यहाँ पर मिश्रा जी हैं हमारे, उनका बेटा जो है वो डॉक्टर बन गया, और उसकी उसने जो है एक लड़की से शादी की जो वो भी डॉक्टर है, तो बहुत खुश थे मिश्रा जी, और उन्होंने हम लोग को शादी में आमंत्रित भी किया था। ठीक है, ऐसे उनके यहाँ रेगुलर आना जाना था, हमारा तो बहुत ज्यादा रेगुलर वहाँ जाना नहीं था, लेकिन मिश्रा जी यहाँ आया करते थे रेगुलरली। एक दिन वो आए, बहुत परेशान थे, आकर रोने लगे, कह रहे मैं जो है अनाथ हो गया। मैंने कहा कि क्या हुआ, कह रहे कि हमारे बेटे बहू दोनों लोग विदेश जाना चाहते हैं और कोई है ही नहीं हमारे यहाँ, जो अभी पूछ रहे थे चट्टोपाध्याय जी। तो मैंने कहा कि देखिए जितनी बातें आपसे हुई हैं और बच्चे के बारे जितना आप खुश होते थे उसमें ये निष्कर्ष था कि बच्चे का कैरियर बन जाए और आगे जाए और आगे जाए, यही आपका सारा जोर रहता था और वो चला जा रहा है आगे, इस बात से आप खुश होते थे कि बच्चा भी डॉक्टर हो गया, बहू भी डॉक्टर आ गई, है ना, अच्छा क्लिनिक चल रहा है, सब हो रहा है। तो अभी थोड़ा और आगे चल गया तो क्यों परेशान हो रहे हैं। तो हम भी तो चाह रहे हैं ना कि हमारा बच्चा आगे चला जाए, और आगे का मतलब क्या वो हमको पता नहीं है,
तो वो आगे जब जाने लगता है तो एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि ना जाए, वो थोड़ा मुश्किल है। तो हमको पहले स्पष्टता हो कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कैसे उस लक्ष्य को पा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा जीना वैसा हो और उसके जो प्रश्न है उसका हम जिम्मेदारी से जवाब दे सकें, तब तो कुछ रास्ता निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। बच्चे अभी नहीं सुनेंगे हमको, क्योंकि हम शिकायत लेके चल रहे हैं। जब भी बात होती है तो हम शिकायत से शुरू कर देते हैं, वो ऐसे ही परेशान है पहले से ही। देखिए अभी जो इंटरेस्टिंग बात हो गई है वो ये है कि माँ बाप का भी संस्कार वैसा ही हो गया ना, तो जिनको प्रमोट करते हैं माँ बाप वो ख्याल नहीं रखते, क्योंकि उनको तो आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ जाते हैं। जिनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं वो लोग हैं जो उतने कॉम्पिटिटिव नहीं हैं, तो वो अभी भी माँ बाप का ख्याल रखते हैं। इस प्रोसेस को समझ लीजिए ठीक से। अभी भी देखिए इस देश को देखेंगे ना, तो देश को चला लोग वो नहीं रहे जो बहुत कॉम्पिटिटिव लोग हैं, देश को वही लोग चला रहे हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है। एक तो अगर देखेंगे तो आपका परिवार है ना, तो महिलाएं चलाती हैं, और वो महिलाएं जो अभी पुराने संस्कार की हैं कॉम्पिटिटिव हो गई हैं वो तो नहीं चलाती है, मतलब महिला और पुरुष दोनों का ही, जो बहुत कंपटीशन में पड़ गए हैं उनकी तो व्यस्तता है दूसरों को शोषण करने की, वो सिस्टम चलाने के हिसाब से नहीं चल रहे वो। तो इसलिए इस बात को समझने की अगर हमारे माँ बाप ने हमको डिस्क्रिमिनेट किया और जो दादा कंपटीशन वाला बच्चा था उसको प्रमोट किया, तो वो तो अपना चला गया आगे इनको छोड़कर, ख्याल तो हम ही को रखना पड़ेगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, अच्छी बात है कि हमको तो अवसर मिल रहा है माँ बाप की सेवा करने का ना, क्योंकि माँ बाप की सेवा करना तो बनता ही है, सही तो वही है। ये बात उनको तब समझ में आएगी जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे है ना, और जितना थोड़ा बहुत ये सेवा कर भी रहे हैं पुराने संस्कार के कारण उनके बच्चे उतना भी नहीं करेंगे। तो सही तो यही है कि भाई हम माँ बाप की सेवा करें, तभी सेवा करेंगे तभी तो परंपरा चल पाएगी। तो एक बात तो ये है, दूसरा बात है कि ये जो डोमिनेंस का वाला जो मामला है ना, ये फिर वही संस्कार का मामला है कि जो उनके संस्कार हैं जो उनको सही लगता है वो करेंगे, सही हो चाहे ना हो। अभी हम क्या करें, हम तो अपने संस्कार को ठीक करें एक, तो दूसरा उनके संस्कार को समझें ठीक है, उसके साथ कैसे उनके साथ निर्वाह किया जा सकता है उसको तय करें बिना हम दुखी हुए है ना, और आगे उनके संस्कार में कुछ इम्प्रूवमेंट का काम हो सकता है तो करें, हालांकि जितनी उम्र ज्यादा होती जाती है उतना संस्कार पर काम होना मुश्किल होता जाता है, फिर भी कुछ अगर हम ध्यान दिला पाएंगे तो आगे के शरीर यात्राओं में काम आएगा। क्योंकि अभी जितने रिजिड संस्कार वो लेकर जाएंगे है ना, वो आगे जाकर उनको तंग करेंगे। तो जितना उनका ध्यान आकर्षण हो सकता है मैत्री पूर्वक बिना उनको आहत किए उतना कर दें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अभी क्लोज होने वाला है, ये तो संस्कार का यात्रा चलेगा, शरीर यात्रा भी चलेगा आगे भी चलेगा। तो आगे तो कम से कम आगे के लिए कुछ रास्ता बना। तो देखिए एक और बात इसमें यह है कि हम सारे व्यवहार में अगर हमको ये दिखे कि हम आराम में रहते हुए दूसरे को आराम दे सकते हैं ठीक है ना, तो अच्छी बात है, उसको करना चाहिए। नमस्ते सभी को, नमस्ते।